Hey students, welcome back, welcome again, welcome to Reaction Intermediates. आज हमारा discussion है कार्बन आयन पे. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्बन आयन हमारा कार्बोकेटायन के बाद सेकेंड नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है. कार्बोकेटायन की एक वीडियो हम रिलीज कर चुके हैं. आज हमारा डिस्कशन कम्प्लीटली है कार्बन आयन पे. इसके सिंपल से लेकर बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज सारी की सारी हमारे बोर्ड पे हैं. तो वन बाय वन हम सारी क्वेरीज को करेंगे डिकोड. तो शुरू करते हैं, चलिए. कार्बन आयन, तो कार्बन आयन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कार्ब यानी कुछ कार्बन है, एन आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज. तो हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल हमारे कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर हमारा कार्बन आयन फॉर्म हो गया है. इस कार्बन आयन का बड़ी ही इंपॉर्टेंस है. अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप हमारे सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा कार्बन आयन बनता है. अगर आप इलेवंथ में हैं तो इलेवंथ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज़ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. वो भी हमारी कार्बन आयन के थ्रू ही चलती है. उसके अलावा बेंजोइन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन और कई सारी और रिएक्शंस हैं हमारे पास. तो शुरू करते हैं कार्बन आयन. जैसे कि हमारे पास ये कार्बन आयन है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है. तो कार्बन आयन में जनरली नेगेटिव चार्ज होगा. और अगर आप देखेंगे तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन से तीन बॉन्ड पेयर्स हैं. तो फिर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर्स और एक नेगेटिव चार्ज होगा. अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. कंप्लीट ऑक्टेट है इसकी. उसके अलावा अगर आप इसकी ज्योमेट्री पे जाना चाह रहे हैं तो कुछ अमोनिया जैसा होगा ये वाला, दैट विल बी पिरामिडल. इसके बाद बात आती है इसकी स्टेबिलिटी की. स्टेबिलिटी ही सारा मसला है. स्टेबल कौन सा ज़्यादा, कौन सा कम, इसको जज करना बहुत ज़रूरी है. तो इसको जज करने के लिए ये 10 सवाल हैं और तीन चीज़ों को हम लोग को सिर्फ कंसिडर करना है. एस कैरेक्टर का परसेंटेज, थोड़ा बहुत इंडक्टिव, थोड़ा बहुत मीजोमेरिक और रेजोनेंस. तो डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन भी आप कह सकते हैं. तो अगर आप शुरू करेंगे तो पहली वाली क्वेरी हमारी कुछ ऐसे है कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है. थोड़ा सा इसको और एक और बढ़ा देते हैं कि हमारे पास ये भी है. तो इन चारों में अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तो अगर आप इस वाले को ही देख रहे हैं जिसको मैंने अभी अभी स्केच किया है, दिस वन, तो यहाँ पर सर नेगेटिव है. और CH3 हमारा कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट. कौन सा वाला, प्लस आई इफेक्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद से दूर भेजेगा. तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस तरफ होगी. अब ये जो आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, ये माइनस चार्ज नहीं है, ये टेंशन है कार्बन की. कार्बन सोच रहा है किसी तरीके मेरा माइनस चार्ज कम हो जाए, ये जो मेरे सर पे लोन है इलेक्ट्रॉन का, ये खत्म हो जाए. और आप इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिए दे रहे हैं इधर CH3 से, तब तो ये बहुत डिस्टेबलाइज हो जाएगा. तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो फिर इनवर्स रिलेशन है किससे, प्लस आई इफेक्ट से. जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी. तो ये वाला कुछ कम स्टेबल होने वाला है. यहाँ पे तो दो दो प्लस आई ग्रुप है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और कम होगी स्टेबिलिटी. यहाँ पे आएंगे तो तीन तीन CH3, 1, 2, 3, तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई. तो ऑर्डर हमारा क्या आएगा, दिस वन एंड दिस वन. तो पहली बात, प्लस आई इफेक्ट हमारी स्टेबिलिटी को, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा. आगे बढ़ते हैं. इस वाले को अगर आप देखोगे तो सर दोनों ही सेम हैं, बस क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस की कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ये किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की. तो ये माइनस चार्ज अगर चाहे तो इस कार्बन पर आ सकता है, यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, उसके बाद इस कार्बन पे आ सकता है और फिर फर्दर इस कार्बन पे. तो इन तीन कार्बन्स पे ये क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा. सर जब ये डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये कार्बन तो बड़ा खुश हो जाएगा ऐसे कि मेरा माइनस मेरे भाइयों ने बांट लिया. थोड़ी देर के लिए बांटा है, वापस आएगा इसी पर, लेकिन बांट तो लिया, तो इसकी तो टेंशन कम हो गई ना. तो रेजोनेंस की वजह से हमारी स्टेबिलिटी सर बढ़ जाती है. तो फिर एक बात तो हमारी ये हो गई कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो कम स्टेबल है. आगे बढ़ते हैं, हम इसी को आगे लिख देते हैं कि हमारी रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन में है. आगे आएंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से तीन जगह पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है. यहाँ पे देखेंगे डबल सिंगल नेगेटिव, तो एक ही जगह पे डीलोकलाइजेशन है, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होगा एक्स्ट्रा रेजोनेंस की वजह से. इधर अगर आप आएंगे तो NO2 लगा हुआ है. NO2 सर कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ. ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इधर की तरफ.
तो यहाँ पर जो माइनस, इसका बड़ा सा माइनस है जिसकी, इसको टेंशन है कार्बन को, वो तो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी ड्रॉ कर रहा है, इसकी टेंशन को क्या कर रहा है, कम करे दे रहा है। तो फिर कंक्लूजन क्या आया, माइनस आई इफेक्ट हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं माइनस आई। तो स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी है आपको अपने कार्बन आयन की, तो कोई माइनस आई ग्रुप ढूंढिए, घटानी है तो फिर प्लस आई। यहाँ पे कुछ ऐसा कर देते हैं CH3CH2, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे प्लस आई ऑपरेट होगा, प्लस आई कम कर देगा। इधर आते हैं CF3 और CCl3 माइनस में, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और क्लोरीन भी माइनस आई शो करता है, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, सर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बस यहीं पर से इस क्वेरी को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर लीजिए, ये यहाँ पे आपकी गलत हो गई है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे गलत हो गई हमारी, हमने तो सब कुछ सही लगाया, हमने तो इंडक्टिव का कंसेप्ट भी सही लगाया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं गलत हो गई। सर यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑपरेट होगा, एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अगर आप CCl3 को देखें, पहले तो आप सही जवाब देखिए इसका, इसका जो सही जवाब होगा वो ये होगा, CCl3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू CF3। अब आप एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, सर ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सेप्शन नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि एवरी एक्सेप्शन हैज अ एक्सप्लेनेशन, तो हम हर एक्सेप्शन को एक्सप्लेनेशन से कवर कर रहे हैं ना, तो काहे का अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप CCl3 को देखेंगे तो ये कार्बन है, ये मान लेते हैं इसके नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और एक ये क्लोरीन है। क्लोरीन के पास हमें पता है कि डी ऑर्बिटल खाली रहता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उन डी ऑर्बिटल्स को हमने ऐसे दिखाया। अब अगर इस पर ये नेगेटिव है और ये चाह रहा है कि इसका नेगेटिव कम हो जाए, तो फिर ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसके डी ऑर्बिटल में ले ले दे भेज देगा, क्लोरीन भी कहता चलो भेज दो, तुम्हारी टेंशन हम कम करे दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज तो हमें बहुत पसंद है, मैं तो हुई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दे दो इधर हमें इलेक्ट्रॉन। चाहे तो इसके साथ भी कर सकता है बैक बॉन्डिंग, चाहे तो इसके साथ भी कर सकता है, एक स्पेशल टाइप की बैक बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। फिर वही बात, रेजोनेंस तो सर स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है, तो फिर बढ़ा दी ना हमने स्टेबिलिटी इसकी, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस यहाँ पर होता है, फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो आपको लगेगा ये फ्लोरीन वाला जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा कौन, सर ये क्लोरीन वाला जीतेगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर देखिए CH3 लगा हुआ है, वो भी तीन तीन, अगर यहाँ पर अच्छा सा माइनस लगा दें तो फिर ये सर प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तीन प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो रेजोनेंस है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल हो जाएगा। फिर अगर आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस, यहाँ पे CH3 दो लगे हैं, दो बार प्लस आई, और यहाँ पर प्लस आई की पावर 3 है क्योंकि यहाँ पे तीन CH3 लगे हुए हैं, तो फिर ऑर्डर क्या आएगा, ये ज़्यादा ये इससे ज़्यादा। और CCl3 के बारे में अभी हमने बताया कि माइनस आई और साथ में ऑपरेट होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सर ये आपके JEE में एक बार पूछ ही लिया गया, तो इसको अच्छे से मार्क कीजिएगा, क्वेरी नंबर 5 को भी बहुत अच्छे से मार्क कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेरी नंबर 8 पे अगर हम लोग आएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो ये भी बच्चे हमारे बहुत गलत कर देते हैं, एक बार वीडियो पॉज करके आप क्वेरी नंबर 8 खुद से करने की कोशिश करो तो पता चले आपको क्या कांड होता है इसमें। क्वेरी नंबर 8 में देखिए मसले क्या चल रहे हैं हमारे पास, बच्चा कहता है सर देखिए 6 की रिंग 5 की रिंग, रेजोनेंस इक्विवेलेंट है और इधर भी रेजोनेंस बराबर है, तो फिर 6 वाली रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, सर ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बात तो सही है आपकी, आपने रेजोनेंस भी कंसिडर कर लिया, रिंग वाला कंसेप्ट भी लगा लिया, तब भी सवाल गलत हो जाता है, आंसर हमारा रहता है सर ये वाला। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, सर अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, थोड़ा सा हकल रूल आपको आइडिया है, अगर आपको बिल्कुल एरोमेटिसिटी का आइडिया नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, एक एरोमेटिसिटी की ज़बरदस्त वीडियो मिलेगी। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पे 4 पाई और एक नेगेटिव चार्ज में 2 पाई, तो टोटल 6 पाई इधर 6 पाई इधर। फिर उसके बाद एक बात अगर आप देखेंगे सर, ये जो कार्बन हमने नीला नीला स्केच किया है, ये वाला दिस कार्बन, ये कार्बन हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
जब भी आपके पास एरोमेटिक सिस्टम में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट एरोमेटाइजेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे कंप्लीट एरोमेटाइजेशन है, ये पूरा का पूरा एरोमेटिक है। एरोमेटिक सिस्टम बहुत स्टेबल होते हैं और ये आपका क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा ड्यू टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो फिर एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल था, ये जीत गया। अब इसमें देखें अगर आप, तो कुछ बॉन्ड का चक्कर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब बात आती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की। ये कार्बन आपका सर क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, एस कैरेक्टर कितना है 50%। ये वाला कार्बन आपका सर sp2 है, एस कैरेक्टर कितना हो गया भैया 33.33%। और ये वाला कार्बन हमारा sp3 है, तो एस कैरेक्टर यहाँ पे 25% है। जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है कार्बन आयन की। तो फिर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम और वो सबसे कम। तो एस कैरेक्टर और स्टेबिलिटी डायरेक्ट रिलेशन में है। लास्ट क्वेरी में आते हैं, तो यहाँ सिर्फ NO2 का सब्स्टिट्यूशन है। NO2 के बारे में भी आपको इधर भी बताया था सर, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई से स्टेबलाइज कर देगा। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। NO2 एक और इफेक्ट शो करता है, दैट इज़ माइनस एम हमारा क्या रहता है, रिंग पर देता है पार्शियल पॉजिटिव और तो और पैरा पोजीशन पे। प्लस और माइनस में देखिए सर, यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो माइनस एम से भी ये ज़्यादा स्टेबल है, माइनस आई से भी ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये थे हमारे 10 सवाल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के। ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी निंजा सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्री रेडिकल की। शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ। कीप लर्निंग, कीप ट्यूनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।